वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह, अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है, बहुत संसार के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है। चारों तरफ जो लोग परेशान है, दुख से परेशान है, दुखों से परेशान है, कोई दूसरे को परेशान करता है, कोई कुछ कोई दूसरे का काट रहा है गला, कोई किसी को परेशान कर रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी एक नई चीज़ सामने आ रही है। ऐसे माहौल के अंदर भी पूरे दुनिया के अंदर जो चल रहा है वो आप सभी जान रहे हैं कि दुखों से परेशान है दुनिया। लेकिन फिर भी हमारा जो एक जो डॉक्टर जो राजवंत जी है, राजवंत सिंह जी, वो जो है ना कि मतलब 40 मतलब कम से कम भी जो है इसमें बहुत सारे जो है जो पोप के साथ में मीटिंग हुई है। और इसमें जो है ये जो संस्था है, बहुत सारे सिखों की जो संस्थाएं नहीं चल रही हैं, उसमें जो एक संस्था है इको सिख संस्था ने जो है ये जो डॉक्टर राजवंत सिंह जी हैं, इन्होंने एक मतलब जो पोप से जो आप इसमें तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसमें स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखेंगे आप देख रहे हैं, तो ये जो है इन्होंने की मीटिंग हुई है। जो वातावरण जो बद रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है, तो उसमें लिखा है, इसमें सबसे पहले इसमें जो है हम इनको जो राजवंत सिंह जी को, डॉक्टर राजवंत सिंह जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने वहाँ तक पहुँच करके ये जो है ना इको सिख के प्रधान जो मतलब जो संस्था है ये डॉक्टर राजवंत सिंह जी वो उसके प्रधान है। तो ये हम तो इनके बारे में जानते भी नहीं थे ऐसा हो रहा, लेकिन हमने फेसबुक से उठाया है। 4 दिन पहले मीटिंग हुई है, तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि मतलब दुनिया के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ ये तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है दुनिया के सुधारने के लिए, अच्छा हो रहा है दुनिया के अंदर कुछ दिखाने के लिए, अच्छा हो रहा है। तो ये जो चल रहा है देखो, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है उन्होंने, इको सिख विद पोप फ्रांसिस सिख पोप नाल अते गुरबाणी वेटिकन च पोप वालों सदी संसार भर दो 40 धार्मिक लीडर दी मीटिंग राही धरती दे बढ़ रहे तापमान नु रोकण ले इको सिख जत्थेबंदी शामिल जो है इसमें ब्रिटिशन में मीटिंग का जो हुआ है। तो क्लाइमेट एड ऑफ यूनियन समिट जो है, मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ा ठीक नहीं है, तो जो है मैं इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, जो पूरा इंग्लिश में दे रखा है, लेकिन जो पंजाबी दे रखी है पंजाबी पढ़ देता हूँ। लेकिन जो है ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है, क्योंकि बेहतरीन जो है मतलब एक इस माहौल में मतलब 40 तकरीबन लीडर, धार्मिक लीडर इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो है मतलब इसमें पढ़ देता हूँ उसका जो इंग्लिश में पंजाबी में है, यह मौके इको सिख के प्रधान डॉक्टर राजवंत सिंह, हमने जो आर्टिकल है राजवंत सिंह जी के जो है फेसबुक से आईडी से उठाया है, तो हम जो है हमने वहाँ पर गए नहीं है, लेकिन उनकी आईडी से उठा फोटो देख रहे हैं, इस पर स्क्रीन पर चल रहे हैं, वो जो उनके साथ में है लीडर है जो है जो 40 लीडर अलग अलग धर्म के लोग आए थे वहाँ पर, तो उनकी जो है मीटिंग हुई है। तो राजवंत सिंह जी के उसमें उठाने का आर्टिकल हमने, तो इसको पढ़ना है, हूबहू पढ़ते हैं हम। इको यह मौके इको सिख के प्रधान डॉक्टर राजवंत सिंह ने सिखा की नुमाइंदगी की, मतलब जो है सिखों की जो नुमाइंदगी है वो डॉक्टर राजवंत सिंह ने करी है। तो इस मौके पर बोल दिया उन्होंने, कहा कि वातावरण से बिगाड़ मनुखता आदि शांति सांझी चिंता है, मतलब कि जो वातावरण में जो चल रहा है सारा कुछ, ये बिगाड़ जो चल रहा है, वातावरण जो गंदा हो रहा है, इसमें सभी ये पूरे वर्ल्ड के जो है मानवता के जो पूरे वर्ल्ड के जो लोगों की है, सभी धार्मिक लोगों की है, मतलब सभी धर्म के लोगों की सांझी चिंता है, मतलब सबकी एक साथ सबके लिए चिंता का विषय, मतलब सभी के लिए ये एक मतलब सांझी का मतलब होता है कि इकट्ठी एक मतलब सभी की चिंता है। इदे प्रभाव सारिया प्रभाव इदे प्रभाव सारिया लई इको इको जिहे होंगे, मतलब इसके प्रभाव जो सब के लिए जैसे होंगे, ये सारी मुल्कों लई भी बराबर दी चुनौती है, मतलब सभी मुल्कों के लिए जितने वर्ल्ड के अंदर मुल्क हैं उनके लिए सबके लिए बराबर की चुनौती है।
तो आगे लिखते हैं कि इना ए मौके गुरु नानक पातशाह का शब्द पौन गुरु पाणी पिता सुनाया, यानी कि जो गुरु नानक साहब का जो शब्द है जपजी साहब के अंदर है उसमें सुना दे तो आप सभी को। उसमें लिखा है कि पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत जिस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदूर करमी आपू अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत घाल नानक ते मुख ऊजले केती छूटी नाल। इसका थोड़ा अर्थ सुना देता हूँ। गुरु नानक साहब कहते हैं कि पवन गुरु की जो हवा चल रही है ये गुरु के समान है, यानी कि हवा जो मुख से जो शब्द निकलता है वो हवा नहाता लेते हैं हम तभी वो निकल सकता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी के फूफ निकल जाए। तो पवन गुरु पाणी पिता के एक जो पाणी है ये पिता के समान है और मधर्त माता ये धरती जो माता है ये माता के समान है। और जो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेल सकल जगत दिन और रात जो है ये खिलाने के लिए खिला रहे हैं इस पूरे संसार को चल रहा है। तो दुई दाई दाया खेले फिर आगे लिखते हैं चंगी हैं बुरी हैं वह चित्र मधुर कि चंगा और बुरा जो है धर्म जो है वो बताते हैं कि धर्म बैठा है कोई धर्मराज बैठा है जो भी है तो वो जो है चंगा और जो मतलब अच्छा कर्म जो है वो वाच करता है। मतलब ऐसा ये समझ लीजिए कि जो है कि मतलब अच्छे और बुरे का फल जो मिल जरूर मिलता है इंसान को। तो फिर कहते हैं जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत घाल कि जिन्होंने उस परमेश्वर का नाम जो जपा है वाहिगुरु का नाम जपा है सच का नाम जपा है तो वह मसक्कत घाल मतलब अपनी मशक्कत करके उनकी जो है जो कमाई है वो सही हो गई। मतलब तो के मतलब गए मसक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। कहते हैं कि उनके मुख जो है वहाँ पर दरबार में उजल हैं मतलब सोने हैं और केती छुट्टी नाल मतलब उनकी जो साथ में जो थे वह भी एक मतलब जो है छूट गए मतलब उसे जो चिंताओं से जिससे छूट गए हैं मतलब वो ना उसके प्रवान हुए और केती छुट्टी। इसमें एक शब्द और भी है कि होर केती छुट्टी नाल मतलब होर भी दूसरे छूट गए तो ये शब्द आए तो हम राजवंत सिंह जी का जो है वहाँ से उठा हमने आर्टिकल तो ये शब्द उन्होंने वहाँ पर सुनाया। तो आगे हैं ये पौड़ी है जपी जी साहब की जो है लास्ट में जाकर है ये श्लोक है तो पौड़ी तो इसमें जो है 38 पौड़ियाँ मतलब 38 पौड़ियाँ हैं। तो आगे लिखते हैं इको सिख संस्था पिछले एक दहाके तो वध समय थे मतलब 10 साल तो तकरीबन पहले से पंजाब भारत अते उत्तरी अमेरिका में विच वातावरण संभाल ले कार्य कर रही है। मतलब पूरे उत्तरी अमेरिका में भी ये देखो गुरु नानक साहब की जो बख्शीश होती है ये कहीं भी जाते हैं अपना प्यार फैलाते हैं अपना आप जो सब कुछ फैलाते हैं। देखो भारत से लेकर के यहाँ पर भी वो काम कर रहे जो गुरु नानक साहब ने कहा था उजड़ जाओ। तो ये जो है सिख जो है ना कहीं भी जाते हैं प्यार फैलाते हैं और गुरुओं का मैसेज फैलाते हैं। आगे लिखते हैं संभाल रही कार्य कर रहे हैं रही है अते व्हाइट हाउस यूनानी यूनाइटेड मतलब व्हाइट हाउस यूनाइटेड नेशनज अते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्गे अदारियां नाल धरती ते वध रहे तापमान दे मुद्दे यत्नशील है। इनकी दो दिन कंपनियां हैं जो मतलब संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जिक्र ये हो गया जिक्र योग है कि इको सिख वालों गुरु श्री गुरु नानक देव जी दे 550 साल गुरुपुरब उत्ते 10 लाख रुख लाने का अहद पूरा करने लिए पंजाब यानी कि गुरु नानक साहब के जो 550वें जो गुरुपुरब है उस पर 10 लाख पेड़ लगाने का जो है एक वादा किया होगा या वादा कर रहे हैं तो वो लगाएंगे 10 लाख पेड़ जो है। आगे लिखते हैं कि ये गुरु नानक साहब पवित्र जंगल लगाए जा रहे हैं यानी कि ये लगाए जा रहे हैं कि पवित्र जंगल गुरु नानक साहब के नाम से 10 लाख पेड़ जो है देखो ये पंजाब के अंदर लगा रहे हैं। और आगे लिखते हैं 40 साल से वध पुजातियों से
550 रुखां वाले एक जंगल 200 गज थां च लगाए जाते हैं, यानी कि और भी बहुत कम चलता है। तो इको शिकोलो संगत दे सहयोग नाल हुण तक 350 तो वध गुरु जंगल लगाए जा चुके हैं, यानी कि 350 से वध। और हमें इसकी इस खबर के बारे में जानकारी नहीं है, हम मीडिया चलाते हैं, जबकि कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तगड़े तगड़े काम कर रहे हैं, हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम तो डॉक्टर राजवंत सिंह जी का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा चाहता है कि सच्चे लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में इंटरव्यू करेंगे। हम डॉक्टर राजवंत सिंह जी से विनती रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी आपके साथ में जो वहाँ पर एक साथ आए थे, अगर हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जोड़ना चाहते हैं लोगों को, सभी को, और इन सभी का जो 40 नुमाइंदे आए थे उनका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं सभी का, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता भी पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करता है और सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़, सच्चे लोगों की आवाज़। तो हमारा डॉक्टर राजवंत सिंह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पोप नाल या मतलब पोप के साथ में जितने भी वहाँ पर नुमाइंदे आए थे उनके साथ बात करें, हम उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, और प्यार हम चाहते हैं कि पूरे संसार में जो है शांति कैसे आए। हमारा मकसद सच और ईमानदारी का है, सच और ईमानदारी हम पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना चाहते हैं, तो सच और ईमानदारी से शांति आएगी। तो हम उनकी भी सलाह लेना चाहते हैं कि वो इसमें हमारा सहयोग कहाँ तक दे सकते हैं, क्योंकि हम 25 लैंग्वेज में प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, 25 लैंग्वेज में अलग अलग प्रोग्राम, हमने 25 लैंग्वेज में गाना भी तैयार कर रहे हैं, एक मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें, दुविधा जो आई है बीच में उससे आप सब दूर करें, इसे एक गाना है हमारा 25 लैंग्वेज में, हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर राजवंत सिंह जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन सभी के नुमाइंदे से बात करें जो 40 लीडर आए थे, और हम उनका एक साथ इंटरव्यू लेना चाहते हैं पोप के समेत, और जो है हम चाहते हैं कि हमारा इसमें सहयोग क्या करेंगे वो, और क्या हम पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति चाहते हैं, और सच एक ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति ला सकता है, ईमानदारी ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति ला सकती है। तो सच और ईमानदारी हम फैलाएंगे, और हमारा प्रयास जारी है, और हमने गानों के जरिए सच और ईमानदारी फैला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर राजवंत सिंह जी हमारी रिक्वेस्ट मंजूर करेंगे और इसके साथ में हमारी मुलाकात कराएंगे। तो डॉक्टर राजवंत सिंह जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बस यही कह सकते हैं कि गुरु नानक की फुल कृपा है आपके ऊपर, गुरुओं की बख्शीश आपके ऊपर, इतना कह सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ऐसे काम करते रहेंगे और हमारा साथ देंगे। थैंक यू, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।